नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा का मंदिर स्थापित करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसे बहुत ही सुचारू रूप से चलाकर मील का पत्थर बनाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आज हम आए हैं हीरा पब्लिक स्कूल, जो ओल्ड गुड़गावा रोड समालका में स्थित है, जिसकी स्थापना हमारे आदरणीय बाऊजी पंडित हरबंस सिंह वस जी ने की थी, जिन्हें लोग प्यार से बाऊजी कहते थे। शिक्षा के इस मंदिर को जब उन्होंने स्थापना की तो बहुत ही कम बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की थी, और धीरे धीरे जब ये कारवां बढ़ता चला गया और आज इस स्कूल से पढ़ लिख कर हजारों की संख्या में बच्चे देश और विदेश में स्कूल का और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आदर्शवादी हमारे बाऊजी थे, शिक्षा के इतने धनी थे, इतने मधुरभाषी थे कि जो भी उनके पास जाता था वो उन्हें अपना कायल बना लेते थे, अपने मन में बसा लेते थे। मैं भी उनमें से एक हूँ, जो जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन में ज़रूर तरक्की करोगे और बहुत ही अच्छे मार्ग पर आप चल रहे हो, तो बाऊ जी के आज आशीर्वाद से हम भी समाज की पत्रकारिता के क्षेत्र से सेवा कर पा रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर पवन वस जी, एज ए प्रिंसिपल हीरा पब्लिक स्कूल को लीड कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आज स्कूल हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। स्कूल की कई शाखाएं आज समाज में अपना रूप लेकर, चाहे वो गुड़गावा में हो, नजफगढ़ में हो, कई शाखाएँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा और अग्रणी भूमिका से अपनी भूमिका निभा रही हैं। दोस्तों, बाऊ जी का जन्मदिन है आज। जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की भांति स्कूल की तरफ से हजारों महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जो जो अतिथिगण आए, उन लोगों ने बाऊ जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन रखते हुए क्या कहा, क्या उद्गार किया, चलिए चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं। जो यहाँ की टीचर्स हैं, उन्होंने भी जो अपने आदर्शमयी बाऊ जी का जो जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए विभिन्न तरह के प्रोग्राम दिखाए, तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि जो प्रोग्राम में अतिथिगण आए उन्होंने क्या उद्गार कहे और ये प्रोग्राम कैसा रहा। नमस्कार साथियों, मैं भावना गौड, विधायक पालम विधानसभा से, और आज यहाँ उपस्थित हूँ हीरा पब्लिक स्कूल जो संभालका में है। आज हम पिताजी का जन्मदिवस यहाँ पर मना रहे हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बीच में ना होते हुए भी उनके परिवार के बच्चों ने, उनके सपुत्र पवन वत्स जी ने उनको हमारे भीतर इस विद्यालय के माध्यम से कहीं ना कहीं जीवित रखा है। आज इस विद्यालय के हर सुख में, हर दुख में मैं एक परिवार की तरह से शामिल होती हूँ, और जब पिताजी हुआ करते थे तो उनका एक स्नेह भरा हाथ जो मेरे सर के ऊपर रहता था, शायद आज उनकी दुआओं का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ पर हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से अपने आदरणीय बाऊजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं उन्हें हमेशा अपने चरणों में रखें, उनके दिए हुए संस्कार,
उनके किए हुए कार्य आज भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले बच्चे इस स्कूल से जो शिक्षा पाते हैं वो संस्कार विहीन शिक्षा नहीं है, संस्कारों सहित शिक्षा एक अच्छे नागरिक वो समाज में कैसे बने वो इस विद्यालय के माध्यम से उन्हें दी जाती है। मैं आभारी हूँ पवन वत्स जी और उनके परिवार की, इतना सुंदर तरीके से वो समाज के अंदर पिताजी की छवि को कायम रख पाए हैं, धन्यवाद। मैं पवन शर्मा हीरा पब्लिक स्कूल के जो संस्थापक हैं आदरणीय स्वर्गीय श्री हरवंश सिंह जी वत्स, आज उनका जन्म के इस उपलक्ष्य में हजारों जो बहनें आई हैं उनका आज एक महीने में अभिनंदन, जिस प्रकार से आजकल श्री पवन वत्स जी स्कूल की प्रधानाचार्य के नाते जिम्मेवारी का काम देख रहे हैं, ये उनके माध्यम से उनको एक संस्कार युक्त चीज़ों को पैदा करने का जो काम था वो पूज्य पिताजी के माध्यम से हुआ। और नर सेवा नारायण सेवा, यानी स्वयं अपने आप में ही समाज आए व्यक्ति वैसा ना होकर के समाज के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जो हर व्यक्ति तक उस पर पहुंचा जाए। जब आप जीवित थे तो पवन जी स्वयं अपने हाथों से पूज्य पिताजी की आराधना करते थे, पूजा करते थे, उसके पश्चात प्रसाद को ग्रहण करते थे। आज वो नहीं है, उसके पश्चात भी उसी प्रकार की विधि का निर्माण करना, उसी रास्ते पर चलकर उनकी पूजा अर्चना करना, फिर जो हमारे परिवार के साथ में एक महीने में कहूँगा कि जिनको जुड़ता ऐसे नहीं, जो परिवार के साथ में ऐसे लोग हैं जिन तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए, समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हीरा पब्लिक स्कूल के जो प्रधानाचार्य श्री पवन वत्स जी वो उस प्रकार के कामों को करते रहते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है पोते पोती और सभी भाइयों के साथ मिलकर इस सारे कार्यक्रम को जो परिवार का जो उस प्रकार का एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार के माध्यम से कई बार अपने को लगता है कि आज की जो पीढ़ी आ रही है वो अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती है, उसका विचार क्या है, ये अनेक प्रकार के सवाल अपने मनों में घूमते रहते हैं। परंतु स्वाभाविक तौर पर अगर हीरा पब्लिक स्कूल का ये जो परिवार है इसको अगर हम देखेंगे तो अपने को लगता है कि हमने जो कहा था कि अगर स्वर्ग की एक कल्पना करनी है तो फिर अपने माता पिता की पूजा कैसी हो सकती है, गाय की पूजा कैसे हो सकती है, गंगा मैया की पूजा कैसे हो सकती है, ये अनुभूति तभी आती है जब परिवार का उस प्रकार का संस्कार अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसी प्रकार से जन्म के साथ मिलता रहे। हर धार्मिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान करना और माता जी का दसवीं हमारे यहाँ तिथि जो रहती है उसमें स्वर्गवास उनका हो गया था, हर दसवीं को हवन करना और पिताजी जिस चेयर पर बैठते थे आज उसी ऑफिस को उसी प्रकार से वो विद्यमान है, ये ऐसा केवल उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, उनको जो जीवन का प्रत्येक जो दिन है वो अपने साथ में समावेश करके उनको आशीर्वाद के रूप में जो उनसे मिलता है वो बच्चों को और समाज को और इस क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार हैं उनके साथ में किस प्रकार से अपने साथ होकर हम सब साथ हैं इस प्रकार की अनुभूति देने का जो काम है आज हीरा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पवन जी वत्स साहब और उनके परिवार के और हम सब लोग जो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ इकट्ठे होते हैं। और अगर आप बाहर कैमरा घुमाएंगे तो हजारों हजार की संख्या में जो मेरी बहनें हैं जो आसपास रहती हैं वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा जीवन उन्होंने जिया है उसी प्रकार के संस्कारों को हमारे समाज में विद्यमान रखें ताकि आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता के बारे में उसी प्रकार से विचार करें। मैं पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि वो जहां पर भी हैं उनका आशीर्वाद सतत समाज के लिए परिवार के लिए संस्था के लिए उनका बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रूबी फोगाट यादव है, मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज क्योंकि बाबूजी का जन्मदिवस है
तो हम सभी यहाँ पर हेरा पब्लिक स्कूल में एकत्रित हुए हैं। बाबूजी को सर्वप्रथम मैं अपनी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक मुहिम छेड़ी, एक ऐसी नींव रखी कि जो आज उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूरा वत्स परिवार हीरा पब्लिक स्कूल के माध्यम से अनेकों स्कूल खोल चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक ये स्कूल के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ शिक्षा के नाम पर बल्कि इस संस्था में बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, अपनी परंपराओं से जोड़ा जाता है, अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ा जाता है, वो अद्भुत है। क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव इस स्कूल में, इस विद्यालय में आकर हमेशा से ये रहा है कि जब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ की जो ऊर्जा है अति सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर संस्कारों से भरे हुए बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं जो सभी का सम्मान करते हैं, जिनके लिए शिक्षा सर्वप्रथम है, जो इतने अधिक अपने आप को ज्ञान प्राप्त करते हुए पाना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सब पर हमेशा भारी पड़ता है। मैं सत्यप्रकाश राणा हूँ, यहाँ से 3 बार MLA रहा और बाबूजी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा, उनको मैंने सब ये बनाते हुए देखा और हीरा पब्लिक स्कूल की नींव बाबूजी ने रखी थी। बहुत अच्छा उनका स्नेह इस क्षेत्र के साथ था और इतने ज़्यादा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है कि बहुत बड़ी संख्या में समाज को शिक्षित करने में उनका योगदान रहा। अभी जो एक पत्थर उन्होंने रखा था और एक मुहिम जो उन्होंने शुरू की थी उसको भाई पवन जी ने आगे बढ़ाया है और अब जो संस्था एक बहुत छोटे रूप में बाबूजी ने शुरू की, वो एक वटवृक्ष के रूप में अब हमारे सामने है और आने वाले समय में बहुत और फले फूलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना बहुत बड़ा स्थान देश में प्राप्त कर पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, MLA मेहरोली। आज मैं बाबूजी के जन्म दिवस पर यहाँ पर हीरा पब्लिक स्कूल में आया हूँ। पंडित हरिवंश वत्स जी जो हीरा पब्लिक स्कूल के संस्थापक थे, उन्होंने यहाँ फाउंडेशन रखी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे उसको बढ़ाया है इनके पच्चीनों पे चलते हुए पवन जी ने, पवन वत्स जी ने। सबसे पहले तो मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ और पूरे परिवार को आज के जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बाबूजी के आशीर्वाद से पूरा परिवार उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और आज हीरा पब्लिक स्कूल से आगे बढ़ते हुए 2-3 स्कूल और बन चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अग्रणीय कार्य किया जा रहा है। पूरा वत्स फैमिली द्वारा पवन वत्स जी बहुत चारों तरफ समाज में भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नाम पवन वत्स जी का है। धन्यवाद। मेरा नाम विजय सिंह लोचव है, मैं पूर्व विधायक हूँ इस क्षेत्र से। आज हरबंस सिंह वत्स जी जो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी थे और शिक्षक भी थे, उनके प्रति मात्र शब्दों की श्रद्धांजलि नहीं, दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन हीरा पब्लिक स्कूल जो उन्हीं की आधारशिला है, क्षेत्र का सबसे उत्तम स्कूल है और जो आज के चलन में DPS और ये स्कूल है उनसे अच्छा है। और जो समाज सेवा में आज उनका बेटा पवन जिस तरीके से उनके जन्मदिन को मनाता, उससे भी ज़्यादा जो गरीबों में जब वो जिंदा थे तब भी लोगों में, इन गरीब व्यक्तियों में कभी भंडारे, कभी उनको साड़ियाँ या उनके बच्चों की फीस माफ वगैरह भी सब करते थे। इसलिए आज मैं उनके जन्मदिन पर बार बार उनके चरणों में नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके सपुत्र भी उन्हीं की लाइन पर चलकर इस समाज में अपना नाम अच्छा रखें। मैं भूपेंद्र गुप्ता, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साउथ दिल्ली नगर निगम। मैं बाबूजी को आज इस पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो बाबूजी ने जो अपने परिवार के अंदर जो संस्कार दिए, जो शालीनता दी, जो विनम्रता दी, वो परिवार और जो ये स्कूल है इसके टीचर के अंदर वो संस्कार देखने को मिलते हैं और यही बाबूजी को अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि है।
मैं एचएस वत्स का दामाद हूं और इस नाते मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। मास्टर जी बहुत ही परिश्रमी थे, सिद्धांती व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और परमपिता परमेश्वर ने उनकी मेहनत को फलीभूत भी किया। उन्होंने ये हीरा पब्लिक स्कूल की स्थापना की, उसी से प्रेरणा लेकर हमने भी एसडी पब्लिक स्कूल की स्थापना की। उन्हीं के कर कमलों से वो विद्यालय आज बहुत ही ऊंचाइयों पर है। हीरा पब्लिक स्कूल से निकलकर बच्चे यहाँ पढ़कर देश विदेश में जा रहे हैं और ऊंचे पदों पर भी आज आसीन हैं। मास्टर जी ने बहुत ही मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। मैं कहता हूं कि ये परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं योगानंद शास्त्री, मैं बाबूजी के बहुत करीब रहा हूं, काफ़ी नज़दीक से देखा है। ऐसे समाज में, देहातों में अगर एक 10-20 गांव में एक भी आदमी पैदा हो जाए तो समाज में किसी प्रकार की किसी को कष्ट नहीं होगा, चाहे उसकी दवाई की व्यवस्था हो, चाहे उसकी रजाई की व्यवस्था हो, चाहे उसके कपड़े की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो। इनके द्वारा जो किया हुआ है हरिद्वार, उसके बाद वृंदावन, गोवर्धन, रामवास, ये सब मंदिर बनवाए उन्होंने, और गरीब बच्चों के पाठशाला के लिए हेतु इन्होंने जो है सारी दान करते हैं। महीने में पूरे खर्च जाती है यहाँ से, हमारी संस्था के द्वारा से। और मेरे को सौभाग्य ये रहा कि मैं बाबूजी के बहुत करीब रहा, तो परम दिवात्मा को आज मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं विनोद वत्स, चेयरमैन भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके हमारे आदरणीय अंकल पंडित हरबंस सिंह वत्स जी उपप्रधान रहे। उनका आर्थिक और कंस्ट्रक्शन में उनका गाइडलाइंस हमें हर कदम पे मिली। आज जो BPIT कॉलेज है उसमें उनकी डायरेक्शंस, उनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में है। और जो ये हमारे भाई हीरा पब्लिक स्कूल, जिसकी 3 ब्रांचेज हैं, ये जो उन्होंने स्थापित किया था उस समय पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तब हमें ये पता चलता है और हम देखते हैं कि उनके चारों सुपुत्र उस काम को जो उन्होंने स्थापित और जो रास्ता दिखाया था उस पे अग्रसर हैं और उसको ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो हमें संतोष होता है कि पंडित हरबंस सिंह वत्स जी द्वारा स्थापित रास्ता और जो एक उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है उसको हमारे भाई आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पंडित हरबंस सिंह वत्स जी को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं और उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव रखता हूं, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी काफ़ी गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग हमें हर कदम पर मिला। मैं उनको बार बार नमन करता हूं, याद करता हूं। मैं कपिला गौड़, एक्स चेयरमैन साउथ जोन बसंत विहार से काउंसलर हूं, लेकिन मेरे इस परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं। जो अपने अरबन जी से जो हमारा संबंध रहा, एक रिश्ता तो अलग है पर व्यक्तित्व उनका इतना ऊंचा था कि मन करता था कि 2 घड़ी उनके पास बैठें और कुछ ज्ञान लें। उन्होंने जैसे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे, प्रिंसिपल रहे स्कूल में, उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि गांव में कोई स्कूल नहीं था उस टाइम पे, कि क्यों ना अपने ही गांव में बच्चों का विकास किया जाए। तो गांव संभाल का यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले स्कूल को स्थापित किया और बड़ी अच्छी शिक्षा प्रणाली इनकी रही है। और मैं तो, मेरे से बहुत बड़े रहे हैं, हालांकि रिश्ते में मेरे बेटे लगते थे, पर मेरा सौभाग्य है कि मेरा उनसे ताल्लुकात इतना गहरा रहा है। बहुत हैं बेटे तो बहुत हैं, लेकिन उनसे मेरा ताल्लुकात अच्छा रहा है, क्योंकि वो एक शिक्षित के साथ साथ आध्यात्मिक भी थे। ऐसे ही मतलब दूर दूर तक हीरा पब्लिक स्कूल, हालांकि स्कूल तो उन्होंने बहुत और भी हैं, बहुत है, लेकिन जहाँ फाउंडेशन होती है वहाँ ज़्यादा याद किया जाता है प्रारंभिक तौर पर। हीरा पब्लिक स्कूल से, जैसा कि मैं सुन रही थी कि संभालका को जाना ही हीरा पब्लिक स्कूल से है, जाना जाता है, नहीं तो संभाल के 2 हैं, एक हरियाणा में किया, तो हीरा पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मैं पवन जी का बड़ा धन्यवाद करूँगी कि आज की पीढ़ी में
पवन वत्स जो है इसके स्कूल के पूरे ऑल इन ऑल कहूँगी, एक उन्होंने अपने पिताजी की पद्धति को और आगे बढ़ाया है, वहीं तक स्टॉप नहीं किया और आगे बढ़ाया है। और मेरा पवन इनके प्रति श्रद्धांजलि तो है ही, लेकिन बड़ा होने के नाते पवन वत्स को मेरा आशीर्वाद है, साधुवाद है, फूले फले, धन्यवाद। मैं पीयूष वत्स, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता हूँ स्कूल में। आज हमारे दादाजी का जन्मदिन होता है, तो इस दिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो उनके संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं सभी को, हम उसी पे ही मतलब कंटिन्यू करेंगे जो संस्कार दिए हैं उन्होंने, और जो उन्होंने एजुकेशन में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हम और भी अच्छा करेंगे इस फील्ड के अंदर। आज के दिन हम गरीबों को साड़ीज डिस्ट्रीब्यूशन है, गरीबों को भोजन जो करवाते हैं, हम इसी परंपरा को जो है हम हर साल कंटिन्यू करेंगे। मैं एसके शर्मा, मैं अपने समालका गांव की तरफ से, जो हमारे पूजनीय मास्टर जी ने ये पौधा लगाया है हीरा पब्लिक स्कूल, जिसकी शाखाएं गुरुग्राम में भी जा चुकी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम कि उनके द्वारा लगाया हुआ ये पौधा बहुत आनंदी फल फूट रहे, और ये जो पवन सर है और राज सर है, उनके बच्चे हैं, सब पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आगे भी ऐसे देता है। दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हीरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर पवन वत्स जी, जो बाबूजी के सुपुत्र हैं। बाबूजी के पचीनों पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज बाबूजी का जन्मदिन आपने उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जिससे हर हमेशा वो जब जीवित थे करते थे, और क्या कहना चाहेंगे आज बाबूजी को याद करते हुए? बाबूजी, मैं तो ऐसा नहीं मानता, वो कहीं चले गए हैं, वो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं और आशीर्वाद उनका हमेशा हमारे साथ रहता है। आज अगर वो यहाँ पे लाइव होते तो आज उनकी 91 की उनकी एज हो जाती हो। जितने भी लोग आए हैं उनके नाम से सब आने लग रहे हैं, और उनको आज भी ऐसे ही याद किया जाता है जैसे पहले लोग भाग उनको याद करते थे। ग्रामीण अंचल में जब ये स्कूल की स्थापना की थी, बहुत ही कम बच्चों के साथ शुरुआत की थी, उन्हें अपनी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय आंटी जी से वो प्रेरणा मिली, और उन्होंने अध्यापक के रूप में बाद में इस स्कूल की जब स्थापना की अपने बाबू जी के नाम से, तो आपको क्या लगा कि ये एक दिन वाकई में ऐसा वट वृक्ष बनेगा जिसमें हजारों बच्चे निकलकर देश और विदेश में नाम रोशन करेंगे हमारे स्कूल का? ये तो हमें शुरू से ही आभास था। हमारे यहाँ स्टार्टिंग में 35 बच्चे एडमिशन हुए थे, लेकिन उसी सेशन के अंदर 31 जुलाई 92 के अंदर हमारे पास लगभग 400 बच्चे एडमिशन हो चुके थे। तो जब भी ये यहाँ पौधा बाबूजी ने लगाया हीरा पब्लिक स्कूल के रूप में, तो तभी ऐसा मालूम हो गया था कि आगे जाके ये वट वृक्ष बनेगा। जी, हर वर्ष हजारों महिलाओं को साड़ी का वितरण होता है, भंडारा होता है, ऐसा संस्कार जो आपको बाबूजी से मिला, तो आप क्या समझते हैं कि आज जो बच्चों में हीरा पब्लिक किस तरीके के संस्कार भरता है कि वो अपनी देश और विदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं? हमारे यहाँ एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि बच्चों को अपने माता पिता की सेवा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, माँ बाप के रूप में ही ईश्वर होते हैं, और उनकी आप हमेशा पूजा करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, रिगार्ड करोगे, तो आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो ये थे आदरणीय डॉक्टर पवन वत्स जी, जिन्होंने अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजा, और बच्चों को भी यही वो संस्कार देते हैं कि अगर आप अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजोगे तो आपका भी नाम जीवन में हमेशा सफलता की ओर आप अग्रसर होगे और हमेशा आपका नाम रोशन होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।